Hello students, I am Aisha Munshi handling Hindi subject for first standard. बच्चों आज हम सीखने जा रहे हैं उ की मात्रा. ये है उ की मात्रा, द सिंबल ऑफ उ. बच्चों चलो शुरू करते हैं. यहाँ पर है प प्लस उ की मात्रा प्लस ल, ये बन गया पुल. पुल पुल मतलब ब्रिज, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है ब्रिज, इसे हिंदी में कहते हैं पुल. अगला शब्द है ग प्लस उ की मात्रा प्लस ल प्लस आ की मात्रा प्लस ब, ये बन गया गुलाब. गुलाब को इंग्लिश में कहते हैं रोज. बच्चों आज हम उ की मात्रा से बने हुए और कुछ शब्द सीखेंगे. चलिए देखते हैं. सुन, स के नीचे उ की मात्रा दिया गया है तो इसे हम सु पढ़ेंगे. आगे का अक्षर है न. सुन, सुन मतलब लिसन. क के नीचे उ की मात्रा है तो इसे हम पढ़ेंगे कु. र सी कुरसी, कुर्सी को इंग्लिश में कहते हैं चेयर. प के नीचे उ की मात्रा है, ये बन गया पू. पुराना, पुराना मतलब ओल्ड. ब के नीचे उ की मात्रा है तो ये है बू. न बुन, बुन मतलब टू विव. अगला अक्षर है द के नीचे उ की मात्रा दू का न, दुकान मतलब शॉप. म के नीचे उ की मात्रा है तो हम इसे पढ़ेंगे मू. मू र ली मुरली, मुरली मतलब फ्लूट. अगला शब्द है म के नीचे उ की मात्रा मू ख, मुख मतलब माउथ. ग के नीचे उ की मात्रा गु डी या, गुड़िया मतलब डॉल. आगे के और शब्द देखेंगे. स के नीचे उ की मात्रा सु ब ह, सुबह. सुबह मतलब मॉर्निंग. स के नीचे उ की मात्रा इसे हम पढ़ेंगे सु ख, सुख मतलब प्लेजर. ब के नीचे उ की मात्रा क्या पढ़ेंगे हम इसे बू. बू ढी या बुढ़िया, बुढ़िया मतलब ओल्ड वुमन. अगला है जू ला हा, जुलाहा. जुलाहा मतलब रिवर. बच्चों और कुछ ऊ की मात्रा वाले शब्द देखेंगे. यहाँ पर देख सकते हो आप च के नीचे ऊ की मात्रा है चू ही या, चूहिया. चूहिया मतलब अ स्मॉल रैट. मुकुट, मुकुट मतलब क्रोन. आगे का शब्द है लू टी या, लुटिया. लुटिया मतलब अ स्मॉल पॉट. आगे है ध नु श, धनुष मतलब बो. बच्चों ये हो गए उ की मात्रा वाले शब्द. यहाँ पर पेज नंबर 18 पे दिया गया है अभ्यास. पहला अभ्यास है क उचित शब्द को शब्द के रेखा खींच कर चित्र के साथ जोड़ें. उचित शब्द के रेखा खींच कर चित्र से जोड़ें. ड्रॉ अ लाइन टू जॉइन ईच पिक्चर विद द राइट वर्ड. बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज के दोनों तरफ चित्र दिए गए हैं और बीच में दिए गए हैं शब्द. तो बच्चों पहला शब्द है गुड़िया. आप मुझे बताओ कि यहाँ पर गुड़िया चित्र कहाँ पे है. गुड़िया चित्र है यहाँ पर. तो इस गुड़िया शब्द को गुड़िया चित्र के साथ ऐसे जोड़ लगा दो. अगला शब्द है चूहिया.
चूहिया कहाँ पर है? चूहिया है यहाँ पर। तो बच्चों इस चूहिया शब्द को चूहिया चित्र के साथ जोड़ दो। अगला शब्द है कुर्सी। कुर्सी कहाँ पर है? कुर्सी है यहाँ पर। तो बच्चों इस कुर्सी शब्द को कुर्सी चित्र के साथ जोड़ दें। अगला शब्द है कुटिया। कहाँ पर है कुटिया? कुटिया है यहाँ पर। तो इस कुटिया शब्द को चित्र के साथ ऐसे जोड़ लगा दो। बच्चों अगला अक्षर है मुकुट। मुकुट चित्र कहाँ पर है? यहाँ पर। तो इस मुकुट अक्षर को चित्र के साथ ऐसे जोड़ लगा दो। आखिरी अक्षर है रुपया। रुपया चित्र कहाँ पर है? यहाँ पर। तो इस रुपया अक्षर को चित्र के साथ ऐसे जोड़ लगा दो। तो पहला हमारा अभ्यास पूर्ण हो गया। दूसरा अभ्यास है ख। इन शब्दों को तीन बार लिखो। इन शब्दों को तीन बार लिखो। पहला शब्द है कुटीर। कुटीर यहाँ इस शब्द के आगे तीन जगह दिए गए हैं। हमें इन तीनों जगह पर इन शब्दों को लिखना है। अगला शब्द है पुराना। दुकान और सुबह। बच्चों इन अक्षरों को इन तीनों जगह पर लिख दें। और अगला अभ्यास है ग। मेरी गुड़िया मतलब माय डॉल। चित्रों में रंग भरें। यहाँ पर दो डॉल दिए गए हैं गुड़िया। आपको इन दोनों डॉल को चित्र इन दोनों डॉल चित्र पर रंग भरना है। तो इन दोनों अभ्यास को एज अ योर होमवर्क अपने हिंदी की नोटबुक पर करके व्हाट्सएप पर भेज दें। धन्यवाद।